नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर घटी, 7 चीजें 23% के स्लैब से बाहर, नई दरें 1 जनवरी से होगी लागू। राज्य के शहरी क्षेत्रों में आज से पॉलीथीन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, पकड़े जाने पर न्यूनतम 100 रूपये और अधिकतम 5,000 रूपये तक का होगा जुर्माना। प्रदेश के एमपी एमएलए से संबंधित मामलों की सुनवाई प्राथमिकी दर्ज कराई जाने वाले जिलों में ही होगी। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के विभिन्न भागों में ठंड में होगी तेजी, 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। जीएसटी परिषद ने 17 वस्तुओं और 6 सेवाओं पर जीएसटी की दर कम कर दी है। ये नई दरें 1 जनवरी से लागू की जाएंगी। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 32 इंच के सभी तरह के मॉनिटर और टीवी स्क्रीन, वाहनों के कलपुर्जे, रबर के रिसोल किए या नए पुराने न्यूमेटिक टायर, लिथियम आयरन के पावर बैंक, डिजिटल फोटो वीडियो कैमरे और वीडियो गेम कंसोल के साथ खेलों से जुड़े कुछ उपकरण, दिव्यांगों के लिए उपयोगी सामान, मालवाहक वाहनों पर थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम, चलने की छड़ी, नेचुरल कॉर्क जैसे सामानों पर दर कम की गई है। इसके साथ ही 6 सेवाएं जिनमें 100 रूपये से अधिक के सिनेमा टिकट पर 18%, जबकि 100 रूपये तक की टिकट पर 12%, धार्मिक यात्रा पर वाली विशेष विमान सेवाओं पर 5% जीएसटी लगेगा। जितने भी आम आदमी के लिए इस्तेमाल के आइटम है उसमें प्रिडोमिनेंटली सीमेंट और कुछ हद तक ऑटो पार्ट को छोड़ के बाकी सबको 28 से आज के डिसीजन के बाद हटा दिया। जो आज आइटम्स थे उसमें एग्रीकल्चरल यूजर्स के लिए पुलिस, ट्रांसमिशन शेफ, क्रैंक्स, गियर बॉक्सेस, मॉनिटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, इसको रिवाइज किया है। श्री जेटली ने कहा कि विलासिता की वस्तुओं पर 28% की दर से जीएसटी लगता रहेगा। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आज से प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियों के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इस संबंध में वन और पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना पहले ही जारी कर दी थी। नगर विकास और आवास विभाग ने कहा है कि प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग के विशेष सचिव संजय दयाल ने बताया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर न्यूनतम 100 रूपये से लेकर अधिकतम 5,000 रूपये अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार उल्लंघन करने पर जुर्माना कम होगा, जबकि दूसरी और तीसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ती जाएगी। इसके लिए नगर निकायों में सिटी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी आकार और मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य के सांसद और विधायक से जुड़े न्यायिक मामलों की सुनवाई अब पटना की विशेष अदालत में न होकर जिलों के न्यायालयों में किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पटना उच्च न्यायालय ने जारी निर्देश में कहा है कि जिन जिलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसी स्थान पर इसकी सुनवाई की जाएगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय ने डिजिटल डिग्री देनी शुरू कर दी है। कुलपति डॉ अमरेन्द्र नारायण यादव ने बताया कि यह राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जिसमें छात्रों को यह डिग्री देनी शुरू की है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर वर्तमान सत्र के छात्रों की डिग्री को अपलोड कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि गांव में अब शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि किसानों को आसानी से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए इफको बाजार को खोला गया है। श्री सिंह ने कहा कि इफको बाजार में किसानों को सस्ते दाम पर रासायनिक उर्वरक मिलेगा, साथ ही किसानों की खेती की मिट्टी की जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से चयनित राज्य के 13 जिलों में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने के लिए लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के अंत तक राज्य के सभी हिस्सों में कृषि फीडर से बिजली की आपूर्ति की जाने लगेगी। श्री कुमार ने कहा कि समस्तीपुर में 1 करोड़ रुपए की लागत से ई किसान भवन बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य में जैविक खेती और बदलते मौसम के अनुरूप की जाने वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य में अगले वर्ष 1 जनवरी से 2 ग्रामीण बैंक ही काम करेंगे। इसके पूर्व 3 ग्रामीण बैंक काम कर रहे थे। बिहार ग्रामीण बैंक की सभी शाखाओं का मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में विलय कर इसका नाम दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार राज्य के 18 जिलों में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जबकि समस्तीपुर, बेगूसराय सहित 20 जिलों में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक काम करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पछुआ और उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवा के कारण सर्दी के साथ कनकनी बढ़ गई है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
राज्य के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो जाने के कारण ठंड में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। उधर गया कल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना, गया और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय अगले दो दिनों तक घना कोहरा छाये रहने की संभावना है, जिसके कारण सड़क और रेल यातायात के साथ साथ विमानों की आवाजाही भी प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। बिहार में एनडीए के घटक दलों भाजपा, जदयू और लोजपा के बीच लोकसभा की 40 सीटों के बंटवारे को लेकर आज औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली और लोजपा नेताओं के बीच बातचीत के बाद सीटों के बंटवारे का मामला सुलझा लिया गया है। गौरतलब है कि लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भाजपा से सीटों के बंटवारे को लेकर 31 दिसंबर तक निर्णय लेने को कहा था। दरभंगा जिले में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट का शिलान्यास कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। पहले चरण में इसे घरेलू उड़ानों के लिए विकसित किया जा रहा है। अगले साल जून तक एयरपोर्ट के पूरी तरह तैयार होने की संभावना है। पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक के पास रसोई गैस सिलेंडर से एक घर में आग लग जाने से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे लोगों को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतामढ़ी जिले के नगर थाना क्षेत्र के जानकी स्थान के पास एक निजी कंपनी के कार्यालय से अपराधियों ने 1,75,000 रूपये लूट लिए। वहीं सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के बनवारीपुर चवर के पास अपराधियों ने एक दुकानदार से 75,000 रूपये लूट लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के पास 5 पंचायतों को खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिया गया है। बेगूसराय जिले के शाहपुर कमाल थाना के खरहट गांव से उत्पाद विभाग की टीम ने 560 बोतल विदेशी शराब के साथ दो महिला शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। 9वीं राज्य सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज पटना सिटी में पूर्व मध्य रेलवे और पटना के बीच खेला जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे ने सिवान को 0 के मुकाबले 9 गोलों से और पटना ने पूर्णिया को 1 गोल से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 2 दिवसीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता राजधानी पटना में आज से शुरू हो रही है। राज्य में बिजली के तार की चपेट में आने से पशु पक्षियों के आने पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग अनुदान देगी, जिसमें गाय, भैंस और ऊंट की मौत पर 30,000 जबकि भेड़ बकरी की मौत पर 3,000 रूपये मिलेंगे। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने जीएसटी की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। इसके साथ ही हिन्दुस्तान लिखता है, आज से पॉलीथीन के इस्तेमाल पर जुर्माना। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बाधाएं पार कर तत्काल तलाक कानून बनाएंगे। दैनिक भास्कर ने आज पटनावासियों के साथ दौड़ेगी फातिमा सना शेख को अपनी बड़ी खबर बनाया है। प्रभात खबर ने बिहार लोक सेवा आयोग के परिणाम पर लिखा है, 581 सफल, राज रोहित को मिली पहली रैंक। अखबार आज ने क्रिकेट की खेल को पहले पन्ने पर जगह देते हुए शीर्षक दिया है, आईसीसी की बीसीसीआई को धमकी। अखबार ने फर्जी दरोगा चढ़ा पुलिस के हत्थे को भी बड़ी खबर बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर घटी, 7 चीजें 23% के स्लैब से बाहर, नई दरें 1 जनवरी से होगी लागू। राज्य के शहरी क्षेत्रों में आज से पॉलीथीन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, पकड़े जाने पर न्यूनतम 100 रूपये और अधिकतम 5,000 रूपये तक का होगा जुर्माना। प्रदेश के एमपी एमएलए से संबंधित मामलों की सुनवाई प्राथमिकी दर्ज कराई गई जाने वाली जिलों में ही होगी। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के विभिन्न भागों में ठंड में होगी तेजी, 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। तेईस वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी, नई दरें 1 जनवरी से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिली। इंडोनेशिया में सुनामी से कम से कम 43 लोगों की मौत। उत्तरी भारत में शीतलहर तेज हुई।
और मुंबई में प्रीमियर बैडमिंटन लीग के पहले मुकाबले में पीवी सिंधु के नेतृत्व में हैदराबाद हंटर्स ने पुणे 7-6 को हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। जीएसटी परिषद ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें कम कर दी हैं। अब केवल 28 वस्तुएं जीएसटी के सबसे अधिक 28% की स्लैब में रह गई हैं। 100 रुपए तक के सिनेमा टिकटों पर कर की दरें 18% से घटाकर 12% कर दी गई हैं, जबकि 100 रुपए से अधिक की टिकटों पर 28% के बजाय अब 18% कर लगेगा। कल शाम नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं को बताया कि दिव्यांगों के वाहनों के कलपुर्जों पर जीएसटी दर कम करके 5% की गई है। उन्होंने बताया कि कर दरों में कटौती से राजस्व में 5,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। जितने भी आम आदमी के लिए इस्तेमाल के आइटम है उसमें प्रेडोमिनेंटली सीमेंट और कुछ हद तक ऑटो पार्ट को छोड़ के बाकी सबको डिसीजन के बाद हटा दिया। जो आइटम्स थे उसमें एग्रीकल्चरल यूजर्स के लिए पुलिस, ट्रांसमिशन शेफ्ट, क्रैंक्स, गियर बॉक्सेस, मॉनिटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, इसको रिवाइज किया है। रिट्रीटेड टायर्स, पावर बैंक्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, कुछ छोटे आइटम हैं, वीडियो गेम्स एंड अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स, उनको भी हटा दिया गया। ये सब 28 से 18 में ले आए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन खाता धारकों के लिए बैंक की सेवा पर कोई कर नहीं लगेगा। श्री जेटली ने कहा कि सीमेंट और वाहन कलपुर्जे, एयर कंडीशनर और डिशवॉशर जैसी विलासिता की वस्तुओं पर 28% का कर स्लैब लागू रहेगा। वस्तु और सेवा कर की नई दरें 1 जनवरी से प्रभावी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण में मदद मिली है। श्री मोदी ने कल गांधीनगर के निकट अडालज में त्रिमंदिर के पास भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पिछली सरकार पर महिला सशक्तिकरण की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए गठबंधन ने पिछले 4 वर्ष में महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार महिलाएं उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान जैसी सरकारी योजनाओं की बड़ी संख्या में लाभार्थी बनी हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में भी 70% महिलाएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत बालिकाओं के सम्मान के लिए की गई है, जिसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। देश की महिलाओं को बुनियादी सुविधाएं देने तक की प्राथमिकता जिनकी नहीं रही, उनकी नीयत और सोच क्या है, इससे पूरा देश परिचित है। वहीं नारी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एक एक कार्यकर्ता का समर्पण दुनिया के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ी कंपनियों को महिला उद्यमियों से कम 3% उत्पाद खरीदने होंगे। दिल्ली की एक अदालत ने अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को धन शोधन के आरोप में 7 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में बंद कथित बिचौलिए मिशेल को कल विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने निदेशालय की मांग पर न्यायालय के एक कक्ष में 15 मिनट तक मिशेल से पूछताछ करने की अनुमति दी। अदालत ने गंभीर आरोप और जांच प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण में होने का हवाला देते हुए मिशेल की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। अदालत ने इस महीने की 19 तारीख को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गुजरात के राजकोट जिले में विधानसभा की जसदण सीट के उपचुनाव की मतगणना लगभग इसी समय शुरू हो रही है। इस सीट पर उपचुनाव के लिए बृहस्पतिवार को 71% वोट पड़े थे। 5 बार विधायक और 1 बार लोकसभा सांसद रहे कांग्रेस के कुंवर जी बावलिया के त्यागपत्र के कारण उपचुनाव कराया गया। वे विधानसभा से त्यागपत्र देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में माओवाद की समस्या का समाधान गोलियों से नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी से बातचीत में श्री बघेल ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय लोगों का विश्वास बहाल करने का काम करेगी। बंदूक से आज तक की समस्या का निदान नहीं हो पाया, वहाँ के लोगों को विश्वास में लेकर ही समस्या का निराकरण किया जाएगा। वहाँ के जो आदिवासी, चाहे गैर आदिवासी, व्यापारी हैं, वहाँ के पत्रकार हैं, वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सबसे चर्चा करके ठोस रणनीति बना के हम आगे कदम बढ़ाएंगे। केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद अगले वर्ष यूनानी दिवस के उपलक्ष्य में आज से विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहा है। यूनानी दिवस प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने 2016 में प्रमुख भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान के योगदान को सम्मान देते हुए उनका जन्मदिवस 11 फरवरी को यूनानी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। एक रिपोर्ट। केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद जन स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय राजधानी में सिलसिले में पुरस्कार समारोह, कई प्रदर्शनी और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस सम्मेलन में जन स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा, जिसमें शिशु की देखभाल, वृद्धावस्था के दौरान होने वाली दिक्कतों पर बातचीत की जाएगी। इस सत्र में यूनानी दवाइयों पर लोगों की जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में कल सुंदा जलसंधि तट के आसपास आए सुनामी से 43 लोगों की मौत हो गई। जकार्ता से 150 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित पेडांगलांग रीजेंसी, साउथ लामपुंग और सिरांग में ज्यादातर मौतें हुई हैं। आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार लगभग 600 लोग घायल हुए हैं और कई लापता हैं। कई दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि कराकाटुआ ज्वालामुखी फटने के बाद समुद्र के नीचे चट्टाने खिसकने के कारण सुनामी आई। इससे पहले इसी वर्ष सितंबर में सुलावेसी में आए भूकंप और सुनामी में 2000 लोगों की मौत हो गई थी। रूस में सोलिका मस्क इलाके के यूराल्स शहर में पोटाश की खान में भड़की आग में 9 श्रमिकों के मारे जाने की आशंका है। 8 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस वर्ष अगस्त में साइबेरिया इलाके में हीरे की खान में आई बाढ़ में 8 मजदूर लापता हो गए थे। महाराष्ट्र में नासिक में कल शाम शिरडी की ओर जा रहे श्रद्धालुओं के जुलूस में एक कार के घुसने से 3 लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हो गए। मारे गए लोग मुंबई के थे। ये जुलूस नासिक चावड़ी गांव से शिरडी के साई बाबा मंदिर जा रहा था। कार के चालक समेत घायलों को शिरडी के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उत्तर भारत में शीतलहर तेज हो गई है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में आज तड़के घने कोहरे के कारण कम दृश्यता से वाहन चलाने में दिक्कत आई। आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हरियाणा और पंजाब के अधिकांश भागों में भी शीतलहर जारी है। करनाल में तापमान गिरकर 0 डिग्री तक आ गया है। हरियाणा में हिसार और नारनौल में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। पंजाब में आदमपुर सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के पश्चिमी भागों में घना और कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छाया रहा। वाराणसी, फैजाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, मेरठ, गोरखपुर तथा आगरा मंडलों में रात का तापमान सामान्य से नीचे रहा। मुरादाबाद मंडल में दिन का तापमान गिर गया। आगरा में 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शाहजहांपुर में 3.9 डिग्री तापमान रहा, जो कि सामान्य से क्रमशः 4 और 5 डिग्री नीचे था। कोहरे का मौसम राज्य में रेल तथा सड़क परिवहन को पूरी तरह प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने के साथ कई स्थानों पर सामान्य से घना कोहरा पड़ने की भविष्यवाणी की है। मुल्तान सिंह यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले के किलांग में तापमान 0 से 8.8 डिग्री सेल्सियस नीचे है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र कड़ाके की ठंड की चपेट में है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 15.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर घाटी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
श्रीनगर में तापमान 0 से 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के पहले मुकाबले में मुंबई में कल हैदराबाद हंटर्स ने पुणे 7-6 को पराजित किया। महिलाओं के सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने स्पेन की कैरोलिना मारिन को 8-15, 15-8, 15-13 से शिकस्त दी। पुरुषों के सिंगल्स मुकाबले में डेनमार्क के मार्क कालजो ने लक्ष्य सेन को हराया। आज मुंबई रॉकेट्स का मुकाबला दिल्ली डैशर्स के साथ शाम 4 बजे, जबकि अहमदाबाद स्मैश मास्टर्स का सामना नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर के साथ शाम 7 बजे से होगा। 37वीं सीनियर राष्ट्रीय नौकायन चैंपियनशिप का समापन समारोह कल पुणे में कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के आर्मी रोइंग नोड में आयोजित किया गया। आर्मी टीम इस वर्ष चैंपियन रही, सर्विसेज टीम दूसरे स्थान पर रही। विभिन्न राज्यों और नौकायन संघों की 24 टीमों के 498 खिलाड़ियों ने लगभग 200 नौकायन दौड़ों में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद चंद्रिका। जीएसटी में जनता को बड़ी राहतों की घोषणा आज अधिकांश अखबारों की बड़ी सुर्खी बनी है। दैनिक जागरण ने लिखा है जनता और कारोबारियों को बड़ी राहत दी केंद्र ने। देशबंधु की सुर्खी है परिषद की बैठक का फैसला सिनेमा देखना सस्ता। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं 23 वस्तुओं पर घटा जीएसटी सबको मिला थोड़ा बहुत। हिंदुस्तान ने इस खबर को राहत बताते हुए तोहफा शीर्षक दिया है। जनसत्ता लिखता है अगली बैठक में आवासीय संपत्तियों पर कर में कमी पर विचार होगा। राष्ट्रीय सहारा अमर उजाला और हिंदुस्तान ने कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी के तहत जाकिर मूसा के गुट के आतंकियों का सफाया करने की खबर दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है सेना के सिक्सर में अलकायदा गैंग ऑल आउट। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों की जासूसी की खबर पर हिंदुस्तान ने लिखा है शर्मनाक हरकत, भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। जनसत्ता ने भी भारतीय राजनयिकों के गैस और इंटरनेट कनेक्शन ठप करने और आवासीय परिसरों में घुसपैठ की खबर दी है। लिखा है विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से कड़ा विरोध जताया। दिल्ली में प्रदूषण फिर गंभीर स्तर पर पहुंचने की खबर अमर उजाला में है। राजस्थान पत्रिका ने शोध में खुलासा शीर्षक से लिखा है महाराणा प्रताप की गौरव गाथा में घास की रोटी का जो जिक्र होता है वो वनस्पति पोषण से भरपूर कुरी घास है जिससे सदियों से पर्वतमालाओं के बीच रहने वाले लोग पेट भरते हैं। शोध से अब पता चला है परंपरागत खाद्यान्न छोड़ते ही स्थानीय समाज में कुपोषण बढ़ा। प्रताप ने खाई थी जो घास वो कुपोषण के खिलाफ ब्रह्मास्त्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी, नई दरें 1 जनवरी से लागू होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिली है। इंडोनेशिया में सुनामी से लगभग 43 लोगों की मौत हो गई है और उत्तरी भारत में शीतलहर में तेजी आ गई है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।